आपके मौसम सरमा और क्रिसमस की छुट्टियों के लिए ट्रेनों में बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है और टिकटें ना मिलने पर लाहौर से कराची जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना भी है। रेलवे इंतजामिया का 3 मील एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ रोजाना इजाफी कोचेज लगाने का फैसला भी सामने आ गया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना फहद। फहद आगा कीजिए। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया की जानिब से नई ट्रेनें तो चला दी गई हैं, मगर पुरानी ट्रेनों की जो है वो सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ताबा हालत में है, क्योंकि मौसम सरमा और क्रिसमस की छुट्टियां होते ही ट्रेनों में जो है वो बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। टिकटें ना मिलने के बाईस मुसाफरों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची से लाहौर और लाहौर से कराची जाने वाली तमाम मेल एक्सप्रेस जो है वो 31 दिसंबर तक जो है वो तमाम बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है और कोई भी सीट जो है वो उनको जो है वो मुयसर नहीं मुसाफरों को, जिस वजह से मुसाफर शदीद परेशानी के हाल में है। तमाम रेलवे इंतजामिया की जानेब से 3 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ रोजाना एक इजाफी कोच लगाने का भी फैसला किया गया है। राष्ट्रीय बाद बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस के साथ रोजाना की बुनियाद पर एक इजाफी कोच लगाई जाएगी, जबकि शदीद रश के बाद जो है वो 31 दिसंबर तक कराची से लाहौर आने और लाहौर से कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों की जो है वो बुकिंग 100% मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 5 जनवरी तक रोजाना की बुनियाद पर इजाफी कोच लगाने का फैसला किया गया है। राना फहद, शुक्रिया आपका।